उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक युवक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक ने बताया कि गरीबी के कारण लाचार होकर साहूकारों से कर्ज ले लिया था, जिसे चुकाने में वो असमर्थ रहा। पीड़ित का आरोप है कि पैसे नहीं चुकाने पर दबंगों ने उसकी जमीन हड़प ली। दरअसल मामला अंतु थाना इलाके के बैरी साल गांव का है, जहां पर राम प्रसाद यादव ने गांव के ही हरिगेंद्र सिंह से आर्थिक तंगी के कारण कुछ पैसे उधार ले लिए थे। राम प्रसाद यादव का आरोप है कि समय पर पैसा ना वापस कर पाने पर हरिगेंद्र सिंह द्वारा उन पर आए दिन दबाव बनाए जाने लगा। इतना ही नहीं, हरिंद्र सिंह ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी जमीन का बैनामा करा दिया। तो दो ढाई साल हो गया, नहीं दे पाया तो हमको मारने पीटने की धमकी दिया और हमारा किसान भाई ले जाके चार दिन अपने घर पे रख लिए। बोले कि ऐसा करो, तुम हमको पैसा नहीं दे पाओगे तो चलो हमको जमीन लिखो। बोला नहीं भाई, हमको थोड़ा समय दो, जमीन नहीं दूंगा, पैसा आपका दे दूंगा। बोले मारूंगा पीटूंगा, धमकी दिए हमको, गाँव से घर निकाल के बाहर कर दूंगा। मारने पीटने की हमको धमकी दिए, बोले कि चलो तुम्हारे नाम खेती नहीं क्या हमको दोगे। हमको ज़बरदस्ती प्रसाद कर ले आए कचहरी में, चाय पानी करा के उसके बाद हमको हमारा लिखवा लिए। हमको नंबर भी नहीं मालूम था, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं। कौन है जो जमीन लिखवाएं? हरगेंद्र सिंह, उनकी औरत अमरावती से। कितने बिस्वा जमीन आपकी जो है धोखाधड़ी करके लिखाई? धोखाधड़ी हमारी जमीन, मैं 3 बिस्वा का कहा था तो 13 बिस्वा लिखा लिए और 2-3 खेत में 3-4 नंबर लिखवा लिए। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर हरिगेंद्र द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।